गाइज आज के जो हमारे बिल्डर्स हैं ना ये बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं एंड दिस टाइम दे आर रनिंग दिस प्रोजेक्ट इन मोहाली इन सेक्टर 113 गाइस इसका सैंपल अपार्टमेंट तो छोड़ो आप एक्चुअल अपार्टमेंट देख के ही हैरान हो जाओगे जो आपको एज इट इज हैंड ओवर किया जाएगा <laughs> Can we talk about? Can we talk about me and you? Can we talk about? Can we talk about the truth? I wanna know, know. I wanna know. Can we talk about? Can we talk about me and you? Can we talk about? Can we talk about me and you? Can we talk about? Can we talk about the truth? I wanna know, know. I wanna know. Can we talk about? Can we talk about me and you? तो चैनल चांदल सिटी प्रॉपर्टी गुरु मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम आई एम श्योर आपको ये फील आ रहा होगा कि मैं कहीं पहाड़ों में बैठी हूं या फिर किसी फुल ऑफ ग्रीनरी की जगह पे बैठी हूं बट गाइस मैं बैठी हूं इनके क्लब हाउस एरिया में आप देखिए वाओ व्हाट अ लोकेशन गाइस व्हाट अ लोकेशन आप देखिए आपको ना पूरा वो मॉल वाला फील आने वाला है यहाँ पे ये यह प्रॉपर एरिया इन्होंने बना के रखा हुआ है बहुत सारे प्रोजेक्ट में मिल जाएंगी पूरा 32 टू एकर्स का टाउनशिप आ जाएगा ये बाय द नेम बॉलीवुड ग्रीन्स एंड नाम से ही पता लग रहा है ग्रीन्स को डिफाइन कर रहा है इसका पूरा एम्बियंस यहाँ पे ये लोकेटेड है आपका सेक्टर वन थर्टीन मोहाली के अंदर कनेक्टेड रहेगा आपके खर लांड्रा हाईवे के साथ आ, बहुत सारी एमिनिटीज आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएंगी जिसमें से सबसे बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग जो बात मुझे यहाँ पर लगी है फाइव एकर्स का ग्रीन एरिया जी हाँ फाइव एकर्स का ग्रीन एरिया आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जैसे कि आपके वॉकिंग ट्रैक्स आपके जॉगिंग ट्रैक्स आपके गज़ीबोज आपके ग्रीन एरियाज़ मल्टीपल प्लांट्स मल्टीपल फ्लावर्स बहुत सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको थर्टी स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिल जाएगा जो कुछ ऐसा है आपका यहाँ से देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल भी आपके क्लब हाउस का ही पार्ट रहने वाला है इसमें भी आपको बहुत सारी इम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी जैसे कि आपका जिमनाजियम पार्टी हॉल हॉल आपके इंडोर गेम्स एंड बहुत कुछ सो प्रोजेक्ट का ऑलरेडी एक फेज डिलीवर कर चुके हैं जिसमें 400 हंड्रेड प्लस फैमिलीज ऑलरेडी रिजाइडिंग है यहाँ पे अब ये लेकर आए हैं सेकेंड फेज जिसमें 252 फिफ्टी टू यूनिट इनके पास रहने वाले हैं ऑफ थ्री बी एच के इन द साइज ऑफ ट्वेंटी फोर्टी सिक्स स्कट जो अपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट मिलने वाला है लेआउट बहुत अच्छा है अपार्टमेंट का एंड बहुत सारी चीज़ें आपको विद द परचेज यहाँ पे अपार्टमेंट के साथ मिलने वाली हैं तो आइए चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ एंड अपार्टमेंट का टूर आपको कराती हूँ आपको एक्चुअल uh, एंड सैम्पल दोनों अपार्टमेंट्स आज मैं टूर कराने वाली हूँ तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट के जो इनर रोड रहने वाले हैं आप देखिए यहाँ पे कितने वाइड रोड आपके रहेंगे एंड टू वे रोड आपको मिल जाएंगे एंड दिस इज द आउटर एलिवेशन ऑफ आर टू डेज प्रोजेक्ट एस प्लस फोर का कंसेप्ट आ जाएगा स्टिल्थ में आपकी सारी पार्किंग यहाँ पे रहने वाली है जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं प्लस ये जो आपका जितना भी सरफेस आ जाएगा जितनी भी फ्लोरिंग है वो सारी एंटेस्किट आपको मिलने वाली है कोई कॉन्क्रीट कोई भी नॉक टाइल्स नहीं आएंगी सारा आपका एंटेस्कट टाइल्स यहाँ पे आ जाएगा तो आइए चलते हैं आगे फ्लैट में एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको लिफ्ट भी मिल जाती है एंड स्टेयर केस भी रहेगा कोई भी आप चूज कर सकते हैं एंड गाइस स्टेयर केस का जो यहाँ पे साइज आ जाएगा ना वो भी आपका काफी नॉर्मल साइज आ जाएगा ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी रहेगी तो वही चलते हैं ऊपर हमारे अपार्टमेंट की तरफ तो गाइस एक फ्लोर पे आपके दो अपार्टमेंट रहने वाले हैं इस तरफ है हमारा एक्चुअल अपार्टमेंट Uh, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि आपका जो फ्लैट होगा जो आपको विद द परचेज मिलने वाला है वो किस तरीके से आपको हैंड ओवर किया जाएगा क्या क्या चीजें आपकी विद द परचेज रहने वाली हैं एंड एस साइड आ जाएगा हमारा सैंपल अपार्टमेंट जिसमें आप ये देखेंगे कि uh, जो आपका एक्चुअल अपार्टमेंट है उसको आप और भी ज्यादा सुंदर कैसे कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं एंड क्या क्या चीजें कितना फर्नीचर आप उसमें ऐड करेंगे एंड कितना स्पेस आपके पास बचने वाला है तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे हमारा एक्चुअल अपार्टमेंट उसके बाद हम एक क्विक व्यू लेंगे हमारे सैंपल अपार्टमेंट

इजिली आप सेवन टू एट सिटिंग यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं वॉल uh, पे अपना एल ईडी पैनल वगैरह बना के अपना स्क्रीन लगा सकते हैं यहाँ पे आपकी ए सी की डक्टिंग आ जाएगी इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी आपके ड्रॉइंग एरिया में एक तो इसका स्पेस दूसरा फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक सा डिजाइन यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लस लाइटिंग आपका प्रॉपर ऊपर लगा हुआ है एंड देन यहाँ पे जो डोर आप देख रहे हैं जो आपकी बालकनी के डोर रहेंगे ये आपका हाई ग्रेड एल्यूमिनियम रहने वाला है ये टफन ग्लासेस नहीं है आपके इसके बाद मैं आपको बालकनी भी दिखा देती हूँ सो so, कुछ इस तरीके का साइज रहने वाला है आपकी बालकनी का जो आप देख सकते हैं यही बालकनी आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी फॉर द सिक्योरिटी पर्पज रेलिंग का साइज़ भी बहुत अच्छा है एंड सिक्योरिटी uh, uh, की बात की जाए तो काफ़ी सिक्योर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेलिंग मिलने वाली है आपको सो so, ये था हमारा ड्रॉइंग एरिया एंड उसके साथ कनेक्टेड बैल्कनी अब इसी के साथ मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाइनिंग एरिया एंड हमारा पूजा स्पेस सो so, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्टोर मिल जाएगा जिसको आप पूजा स्पेस भी बना सकते हैं या फिर अपना आ, स्टोरेज भी बना सकते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर डोर आ जाएगा आपका या फिर अगर आप चाहेंगे तो छोटा मोटा बार बनाना चाहेंगे तो उस तरीके से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहां पे आ जाएगा आपका प्रॉपर डाइनिंग एरिया जहां पे आप इजिली फाइव टू सिक्स सिटिंग डाइनिंग टेबल एकोमोडेट कर सकते हैं यहाँ पे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग एंड इसी के साथ ज्वाइनिंग यहाँ आ जाएगा हमारा किचन ये पूरा एरिया आपका रनिंग में रहने वाला है पहले आपका ड्राइंग देन आपका डाइनिंग एंड आपका किचन जो आप पे देख सकते हैं। में दो स्लैब्स आ ये किचन आपका, आपका, आप आपका जो टाइल है, ये आपका का रहने वाला है फ्लोरिंग काफी बड़े साइज की टाइल है एज इट इज आपको मिलने वाली है प्लस किचन में ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी सारी आपकी एज इट इज रहेंगे आपका हॉब आपको विद द परचेज मिलने वाला है चिमनी कैबिनेट्स आपके ओ माइक्रोवेव ये भी आपका विद द परचेज रहने वाला है पूरा पेंट्री सेक्शन आ जाएगा कमिंग टू दिस साइड ये आपके सारे कैबिनेट्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके का लेआउट रहेगा एंड नीचे डोल सिंक आ जाएगा विद दिस मूविंग फॉसेट एंड इसी के साथ आपका आर एंड गीजर भी आ जाएगा जो आपका नीचे है यहाँ पे तो वो भी आपको फैसिलिटीज़ के साथ मिल रही हैं उसके बाद आप ये बास्केट्स देख सकते हैं जो आपके वेजिटेबल एंड फ्रूट बास्केट्स आ जाएंगे वो भी आपके एज इट इज रहने वाले हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं किचन के साथ भी आपका जो बालकनी है वो अटैच आ जाएगा जो आपके बाकी दो रूम्स के साथ भी अटैच है तो वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी घर में पूरी फॉल सीलिंग आपके रूम्स में ड्राइंग डाइनिंग किचन में आपकी एज इट इज़ रहने वाली है जैसे कि आप देख रहे हैं विद दिस वी आर डन विद आर ड्रॉइंग डाइनिंग एंड किचन अब चलेंगे हमारे रूम्स की तरफ तो यहाँ आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम रूम का साइज़ देख लीजिए आप पहले काफ़ी अच्छा साइज़ है रूम का आपका बेड लगाने के बाद भी आपको एक काउच वगैरह रखने के लिए स्पेस बच जाएगा इतना स्पेस मिल रहा है आपको यहाँ पे। सामने वाली वॉल पे आप अपना एलईडी लगा सकते हैं पूरा पैनलिंग वगैरह करवा के प्रॉपर स्पेस डेडिकेटेड स्पेस आपको मिल जाएगा वॉल सीलिंग का डिजाइन आप यहाँ पे भी, भी देख सकते हैं इट इज़ आपको ऐसे ही प्रोवाइड किया जाएगा बालकनी जो घर की फ्रंट बालकनी है वो उसके साथ कनेक्टेड रहेगी आपकी एंड जो रूम का स्पेस है वो अलग रहेगा जो आपका कबर्ड एंड वॉशरूम है वो इस साइड आ जाएगा सारा जो कबर्ड रहेंगे आपके वो विद ऑटोमेशन लाइट रहने वाले हैं पूरा ग्लास वर्क आ जाएगा देन इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम अगेन एज इट इज वॉशरूम आपको मिलने वाला है जिसमें आ जाता है आपका ये सेल्फी मिरर जिसके लाइटिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं साथ ही में आ जाएगा ये आपका वैनिटी आपका बेसिन यहाँ पे आ जाएगी आपकी सीट पार्टीशन यो बाथिंग सेक्शन आपका बाथिंग पैनल भी यहाँ पे पूरा लगा हुआ है जो आपके टैप्स वगैरह हैं शार है पूरा आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा एंड हर वॉशरूम में आपको यूनिक टाइलिंग मिलने वाली है जिस भी रूम का वॉशरूम आप देख लेंगे सो so, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम अब यहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम स्पेस देख लीजिए इसी के साथ गाय जैसे कि मैंने आपको बताया था हम सैम्पल अपार्टमेंट भी आपको दिखाएंगे तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि, कि कितना फर्नीचर आप ऐड कर सकते हैं एंड किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं तो साइज आप यहाँ से देख लीजिए कुछ इस तरीके का साइज आएगा जो आपको एक्चुअल में मिलने वाला है विद द परचेज कुछ इस तरीके का कवर्स आपके रहेंगे ये आप देख सकते हैं इसके साथ भी आपका जो बैल्कनी है वो कनेक्टेड आ जाएगा जो आपकी किचन के साथ भी कनेक्टेड है दोनों डोर मिल जाते हैं इसमें आपको मैश डोर भी है आपका नॉर्मल डोर भी आ जाएगा सो so, बालकनी में आपके टैब्स वगैरह सब प्रोवाइडेड रहेंगे जिसमें आप वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी सारा यहाँ पे कर सकते हैं एंड गैस पाइपलाइन के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है यही जो बालकनी है ये आपके दो बेडरूम्स जो कि आपका सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम है एंड आपकी किचन के साथ कनेक्टेड रहने वाली है सो so, इसके बाद आ जाएगा हमारा वॉशरूम विथ सेंसर लाइट्स अगेन सेल्फी मिरर आ जाएगा इसमें आपका बेसिन आ जाएगा देन वैनिटी है एंड वैनिटी का मटेरियल बाकी जगह पे जैसे आपने वुडन का देखा होगा इसमें आपका वुडन यूज नहीं किया गया है सीट आ जाएगा देन आपका बाथिंग सेक्शन प्रॉपर विद पार्टीशन एंड आपका बाथिंग पैनल जितना भी है आपका वगैरह शार्स सारे आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं गीजर के लिए आपको प्रोविजन मिल जाएगा एंड एग्जॉस्ट आपको ऑलरेडी लगा हुआ है फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा सो दिस वॉज आर सेकेंड बेडरूम अब इसी के साथ यहाँ आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम पहले आप स्पेस देख लीजिए रूम का फॉल्सिलिंग का डिजाइन एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपके जो कबर्ड्स हैं वो वॉल माउंटेड रहने वाले हैं ताकि आपके रूम का साइज छोटा ना हो जाए सो so, कुछ इस तरीके के कबर्ड आ जाएंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ आ जाएंगे हमारा वॉशरूम हर वॉशरूम में ना आपको यूनिक टाइल्स मिलने वाली हैं इसमें जैसे आपका ब्लू कलर आ जाएगा वाइट कॉम्बिनेशन है विद दिस सेल्फी मिरर बेसिन आ जाएगा आपका जैगवार की सारी सैनिटरी फिटिंग रहने वाली है घर पे सीट आपका बाथिंग सेक्शन विद पार्टीशन रहने वाला है फ्लोरिंग आपकी सारी एंट्रेस्ट आ जाएगी इसके साथ आपका बालकनी भी कनेक्टेड रहने वाला है जो मैंने आपको अभी सेकेंड बेडरूम से दिखाया था जो आपका किचन के साथ भी कनेक्टेड है वो इसके साथ भी रहेगा सो गाइज विद दिस हमारे इस एक्चुअल अपार्टमेंट का टूअर कंप्लीट होता है अब हम एक क्विक टूअर करेंगे हमारे सैंपल अपार्टमेंट का भी जो आ जाएगा आपका बिल्कुल सामने सो so, जैसे ही हम एंटर करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा ड्रॉइंग एरिया जैसे कि आपने एक्चुअल अपार्टमेंट में भी देखा था तो एज सेड इन एक्चुअल अपार्टमेंट आप सेवन टू एट सिटिंग यहाँ पे इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं सेंटर टेबल आ गया है आपका यहाँ पे सामने आपका चेस्टर यहाँ पे अपना स्क्रीन लगा सकते हैं प्रॉपर एक स्पेस मिल जाएगा Uh, जो फॉल सेलिंग है वो एज इट इज़ यहाँ पे भी वैसे ही आपका जैसा आपका एक्चुअल में आपको मिल रहा है सैंपल में भी ऐसा ही डिज़ाइन रखा है क्योंकि इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल बीच में इन्होंने शैंडलेर एड कर दिया है अगर आप भी कुछ ऐसा यूनिक अपने घर में करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं एंड द द बेस्ट थिंग मुझे क्या लगी है दिस पार्ट मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने अपने मेन डोर से अपने जो स्पेस है उसको एक अलग से पार्टीशन दे दिया है एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल तो आप भी कुछ ऐसे आइडियाज ले सकते हैं अपने घर के लिए जहां पे आपको किसी भी एरिया का पार्टीशन करना हो तो आप कुछ ऐसा सा यूज कर सकते हैं जो बहुत यूनिक है एंटीक लुक आपके घर को दे रहा है एंड कमिंग टू दिस वॉल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे इन्होंने ऐड करके रखी है जो आपकी ड्रॉइंग एरिया को अगेन एक यूनिक लुक दे देती है यहाँ पे आपका ए का डक्टिंग रहेगा इसी के साथ जो है आपका जो बैल्कनी है वो भी कनेक्टेड रहेगा जैसे कि मैंने आपको एक्चुअल अपार्टमेंट में भी दिखाया था नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर डाइनिंग एरिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने अपना डाइनिंग सेट करके रखा है आप चाहेंगी तो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं बट इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल कलर कॉम्बिनेशन भी आप पूरे घर में देख सकते हैं बहुत ही अच्छे एंड बहुत लाइट कलर्स इन्होंने यूज़ कर रखे हैं कमिंग टू दिस वॉल यहाँ पे देखिए दो पीस यहाँ पे इन्होंने ऐड करके रखे हैं अगेन ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पे आपका एसी के लिए डक्टिंग आ जाएगा जहाँ पे आप अपना एसी लगा सकते हैं फॉल सीलिंग एज इट इज आपको एक्चुअल अपार्टमेंट में भी मिल रहा है प्लस यहाँ पे इन्होंने ये लाइटिंग एड करके रखी है अगेन बहुत ही सुंदर है तो आप यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका पूजा स्पेस जिसको इन्होंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं विच इज लुकिंग ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल सो so गाइज ये आ जाएंगे हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस पूजा स्पेस मैंने आपको दिखा दिया अब यहां सीधा आ जाएगा हमारा किचन जो आप एक्चुअल में भी देख चुके हैं इसमें बस इन्होंने रेफ्रिजरेटर जो है वो एड ऑन कर दिया है बाकी आपकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी आपके एक्चुअल अपार्टमेंट जो आपको विद द परचेज मिलने वाली है बालकनीस के साथ भी आपकी कनेक्टेड है देन इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम में सो so, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम इसमें आप देखिए कि इन्होंने ना पूरा फर्नीचर एड करके रखा हुआ है तो आपका बेड है साइड टेबल्स है उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे मूव करने के लिए एंड उस साइड भी कितना ज्यादा स्पेस बच जाता है सामने वाली वॉल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह यूज करके इस वॉल को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया है यहाँ पे आप ये पीओपी भी देख सकते हैं फ्रेम वर्क देख सकते हैं यहाँ पे काइंड kind ऑफ of. तो आप भी कुछ ऐसे डिजाइनिंग के आइडियाज ले सकते हैं जब भी आप ये फ्लैट बाय करें तो आप कुछ ऐसा काम अपने रूम में करवा सकते हैं इसके साथ भी हमारा बालकनी अटैच रहेगा नाउ यहाँ पे आ जाएगा हमारा कबर्ड्स विद दिस ग्लास डोर्स सो ये रहेगा हमारा वॉशरूम बेसिन आपका सीट आपका बाथिंग सेक्शन विद दिस पार्टीशन सारा एज इट इज रहेगा एंड आफ्टर दिस अब हम चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में अगेन गाइज जब हम एक्चुअल अपार्टमेंट देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये रूम छोटा होगा इसमें इतना सामान नहीं आएगा बट जब हम एक्चुअल अपार्टमेंट विद फर्नीचर देखते हैं ना तो आप देखिए कि कितना ज्यादा फर्क लग रहा है आप एक बेड लगा सकते हैं वहां पे आपका स्टडी टेबल या फिर आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा विद मीर यहाँ पे आपका साइड टेबल रखा हुआ है उसके बाद भी मेरे पास कवर्स ओपन करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस बच जाता है यहाँ पे आपका बालकनी का एक्सेस आ जाएगा सामने वाली वॉल पे आ जाएगा कंप्लीट आपके एलईडी के लिए प्रोविजन जहाँ पे आप अपना स्क्रीन लगा सकते हैं पैनलिंग करवा सकते हैं जो भी आपका मन हो इन्होंने यहाँ पे वॉल पेपर यूज किया है विच इज क्वाइट डिफरेंट एंड बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ आ जाएगा वॉशरूम वॉशरूम आपका एज इट इज ही है कुछ सामान छोटा मोटा इन्होंने एक्सेसरीज यहाँ पे रखी हुई है बाकी आपको एज इट इज ही पूरा वॉशरूम मिलने वाला है एंड यहाँ आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम पहले तो आप इसका इंटीरियर वर्क देखेगा इस बहुत ज़्यादा सुंदर इंटीरियर वर्क है अगर आप भी ऐसा कुछ नेचुरल uh, सा uh, चीज़ें ऐड करना चाहते हैं अपने रूम में लाइक दीज फ्लावर्स आपके पत्तियां हैं मोर हैं मतलब काइंड ऑफ आपका फ्लोरल टाइप का अगर आप रूम बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के आइडियाज़ आप ले सकते हैं क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है आपके बेडिंग देखिए पीछे इसमें आपका पूरा पैनल वर्क आ जाएगा देन आपका बेड है सेंटर में अ uh, यहाँ पे आपके कबर्ड्स आ जाएंगे जिनको ओपन करने के लिए अगेन मेरे पास काफी अच्छा स्पेस इस साइड बच जाता है यहाँ पे आपका बाल्कनी का एक्सेस सामने आ जाएगा आपकी स्क्रीन के लिए स्पेस जहाँ पे आप अपना पैनलिंग वगैरह करा सकते हैं यहाँ पे एक स्पेस बच जाता है जहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं मिरर वगैरह लगा के जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बना रखा है एंड देन ये आ जाएगा हमारा वॉशरूम वॉशरूम आपका एज इट इज ये सारा सो गाइज विद दिस हमारा इस प्रोजेक्ट uh, का टूर कंप्लीट होता है मैं आपको एक्चुअल एंड हमारा सैम्पल दोनों अपार्टमेंट्स दिखा चुकी हूँ जिसमें एक्चुअल अपार्टमेंट में हमने देखा कि आपको विद द परचेज फ्लैट कैसा मिलने वाला है एंड सैंपल से आपको ये आइडिया लगेगा कि कितना फर्नीचर आप ऐड करेंगे कितना स्पेस आपके पास लेफ्ट ओवर रह जाएगा किस तरीके से आप अपने फ्लैट को डेकोरेट करने वाले हैं जब भी आप यहाँ पे फ्लैट परचेज करेंगे तो बहुत सारे आइडियाज आई एम श्योर आपको मिल गए होंगे इसके बाद भी आपका कोई भी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेरी है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा आप हमें कॉल कर सकते हैं मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टाटा बाय बाय